हमारे मन में जिज्ञासा हो कि भगवान राम का स्वरूप कैसा, धनुषधारी श्याम वर्ण है, कृष्ण का स्वरूप कैसा, श्याम सुंदर पीताम्बर धारी, हाथ में मुरली, मन मन मुस्कुराते हुए। लेकिन कदाचित आपके मन में ये प्रश्न हो कि हरि नाम का स्वरूप कैसा। राम का स्वरूप तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, कृष्ण का स्वरूप समझ में आता है, हरि नाम का स्वरूप कैसा। क्योंकि हमारे यहां हमारे शास्त्रों ने नाम को भी प्रभु कहा, नाम एक पर्सनालिटी है, हरि नाम प्रभु। सो नाम का स्वरूप क्या है, रूप और स्वरूप, नाम तत्व, नाम स्वरूप क्या है। तो संक्षिप्त में यदि मैं आपको निवेदन करूं तो पद्म पुराण में कहते हैं नाम का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नामनामिनो अभिन्नत्वा नामनामिनो। ये है नाम का स्वरूप। आपको कोई पूछे ना आप ये हरि नाम लेते हो, हरि नाम का स्वरूप, सीधा चिपका देना ये श्लोक, ये स्वरूप है हरि नाम का, हरि नाम ऐसा है। अब केवल श्लोक से तो काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा समझना होगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें टोटल छह चीज है, ब्रेक डाउन करके बताऊं तो इजी हो जाएगा। टोटल छह चीज है हरि नाम का स्वरूप कैसा। तो सबसे पहले नाम चिंतामणि, ये हरि नाम कैसा है, चिंतामणि। चिंतामणि कभी देखा तो नहीं होगा, सुना होगा। चिंतामणि का अर्थ होता है कि जिसके पास ऐसा मणि होता है, मणि जिसके पास वो मणि मिल जाए, फिर वो अपने मन में जो चिंतन करता है, वो चिंतन करने मात्र से वो चीज उनके सामने प्रकट हो जाती है, तो उसे कहते हैं चिंतामणि। सो नाम का स्वरूप कैसा है, पद्म पुराण कहता है कि नाम चिंतामणि, हरि नाम जो है चिंतामणि है। इसका अर्थ क्या बनता है कि हरि नाम का स्वरूप ऐसा है कि जैसे चिंतामणि मिल जाए तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, हम जो भी मांगे मिल सकता है। ठीक उसी प्रकार हरि नाम यदि हमें मिल जाए, अर्थात हम हरि नाम का जाप करें, तो हमारी सारी मनोवांछा मनोकामना पूर्ण हो सकती है। एक दूसरा, एक तो वह नाम चिंतामणि, दूसरा कहते हैं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। नाम का स्वरूप क्या है, कृष्ण जो भगवान कृष्ण है, उस भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य रस विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का चैतन्य, चैतन्य माने एक्टिव, माने जीवंत, चैतन्य से मरा हुआ नहीं, इसका ऑपोजिट है मरा हुआ, जड़ पत्थर, लेकिन चैतन्य माने जीवित, माने कृष्ण का चैतन्य रस विग्रह है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नाम भगवान श्री कृष्ण का रस विग्रह है, माने कृष्ण में जो रस है वो सारा रस उनके नाम में है। दो नाम का स्वरूप, तीसरा कहते हैं पूर्ण, नीचे दूसरी लाइन में नाम के स्वरूप में तीसरा पॉइंट है कि नाम सदा और सर्वदा पूर्ण तत्व है, नाम सदा और सर्वदा पूर्ण तत्व है। फिर कहते हैं शुद्धो, ये नाम जो है परम शुद्ध है, यद्यपि ये जड़ जगत जिसमें अनेकों अशुद्धि है, अपवित्र है, असत्य है, लेकिन इस जड़ जगत में इस नाम का उच्चारण करे फिर भी वह परम शुद्ध है, तो पूर्ण है, शुद्ध है। फिर आगे कहते हैं पांचवा पॉइंट है नित्य मुक्तो,
ये हरि नाम जो है नित्य मुक्त है, अर्थात इस संसार के नाम जो है ना अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हुए हैं, या फिर संसार के नाम अनेकों प्रकार के बंधन में बांध देते हैं, परंतु कृष्ण का नाम जो है पूर्ण नित्य मुक्त है। और फिर छठा अंत में कहते हैं अभिन्नत्वा नाम नामिनो, नाम और नामी में अभिन्नता है, माने नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, माने नामी है कृष्ण और नाम है उनका नाम कृष्ण, तो भगवान कृष्ण में और भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के मुख्य चार चीज है, नाम, गुण, रूप और लीला, ठीक है, और ये चारों नित्य है। कृष्ण के नाम नित्य है, कृष्ण के गुण नित्य है, कृष्ण का रूप नित्य है और कृष्ण की लीला नित्य है। ये चारों नित्य होते हुए भी कृष्ण के नाम, गुण, रूप और लीला में यदि पूछा जाए कि इसमें मुख्य क्या है, तो भक्तों कहना पड़ेगा कि इन चारों में मुख्य मूल में बैठा है कृष्ण का नाम। सबसे पहले कृष्ण का नाम लिया जाता है और कृष्ण के नाम के द्वारा कृष्ण के गुण समझ में आते हैं, और जब कृष्ण के गुण समझ में आने लगे तो फिर कृष्ण का रूप समझ में आता है, और कृष्ण का रूप समझ में आए तो फिर कृष्ण की लीला का दर्शन होता है, तो और फिर उस लीला में हमें प्रवेश मिलता है। तो कृष्ण लीला में प्रवेश पाने के लिए पहले रूप क्लियर होना चाहिए, रूप के पहले गुण क्लियर होना चाहिए और गुण के पहले उनका नाम लेना चाहिए। सो पहले नाम, गुण, रूप और लीला। तो कृष्ण लीला में प्राप्त करने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कृष्ण के नाम से होती है, इसलिए हमें प्रतिदिन कृष्ण के इस नाम का जाप करना चाहिए। नाम तीन प्रकार के होते हैं, हम लोग एक साथ बैठकर हरि नाम लेते हैं लेकिन सबको समान फल नहीं मिलता। बाहर से तो लगता है कि ये सब हरि नाम ले रहे हैं, बस ये सब पहुंच चुके हैं वैकुंठ में, बाहर से तो लगता है कि हरिदास ठाकुर के बाद बस यही है, लेकिन उस नाम लेने की जो अवस्था है वो नाम तीन प्रकार के हैं। एक अपराध युक्त नाम जो तीसरे क्लास का है, उसके ऊपर सेकंड क्लास का है नामाभास, और फर्स्ट क्लास का है शुद्ध नाम। जब भी हम हरि नाम लेते हैं तो ये तीन कैटेगरी में से एक कैटेगरी में होते हैं, जरूर नहीं आज हम किसी और कैटेगरी में, कल किसी और कैटेगरी में है, पांच मिनट किसी और कैटेगरी में, फिर पांच मिनट के बाद किसी और कैटेगरी में, लेकिन कैटेगरी अवश्य होती है। और इन तत्वों को हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए ताकि हम इस गलत फहमी में न रहे कि बस नाम की महिमा सुनी, हम बहुत नाम ले रहे हैं, अब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि हमारा नाम किस क्वालिटी का है। केवल क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी।